के इस प्रोग्राम के हवाले से चंद अल्फाज के लिए एक्स सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर एफईओडी जनाब अकरम जकी साहब से कि प्लीज तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मैसमी साहब के बाद और मुफ्ती इरशाद साहब के बाद हमारा बोलना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोग जो आए हैं, कुछ नाम रह भी गए थे जैसे इमरान अहमद साहब एडिशनल डायरेक्टर फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, और शकील साहब इस वक्त चीफ मैनेजर कराची ऑफिस है, इन्होंने भी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया। महमूद साहब हैं, अहमद नासिर साहब, मुश्ताक मंजवानी साहब, और एक और नाम मैं देख रहा हूँ कि और चेहरा बड़ा जाना पहचाना, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट जनाब रईस अहमद साहब, उनको भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ। जैसा कि रजा साहब ने बताया कि कुछ टोटल जो बैंक की ब्रांचेज हैं 16,000 बैंक की ब्रांचेज हैं, उसमें 16,000 ब्रांच मैनेजर हैं जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ा सवाल है, और इसके साथ साथ उन्होंने 2,32,000 की भी एक फिगर दी, और उसमें से अगर हम 20% भी उठा लें ट्रेड के हवाले से तो आप समझ लें कि 40,000 लोग बनते हैं। तो नॉट ओनली दिस इज़ लिमिटेड टू द बैंक्स और वेयर द ट्रेड इज़ गोइंग ऑन इन वन वे और द अदर, बट देर इज़ अनदर बिग एरिया विच इज़ शिपिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ द फ्रेट फॉरवर्डर, द एयरलाइंस एंड अदर सेक्शन, द मल्टी नेशनल कंपनी विच इज़ वन वे और द अदर इन्वॉल्व इन द ट्रेड एक्टिविटीज़ एज वेल एज इनविजिबल ट्रेड एंड फाइनेंस सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर देर इज़ अ सीरियस इशू ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड द इंडिवर विच इज़ टेकन बाई द अल सादिक अकेडमी एंड अल नासी अकेडमी इज़ रियली कमेंडेबल, और जो कोर्स आउटलाइन इन्होंने बनाया है उसमें दोनों आस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर हैं, द शरिया आस्पेक्ट एज वेल एज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑब्वियसली द इंटरेस्ट फ्री है, रिबा फ्री है, और उसको तमाम लोगों ने जाहिर है कि इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का, और आपके तमाम लोगों का जो यहाँ आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।